सो और क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिर से स्वागत है आपका दिन जाएंगे गीक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में, कि किन स्टेप्स को फॉलो करके, किन टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, और किन किन मिस्टेक्स को आपको फॉलो नहीं करना है, जो कि मोस्टली बच्चे करते ही करते हैं अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के दौरान। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करने वाले, कि रिसोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ से सीखना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, कौन सी लैंग्वेज आपको सीखना होगी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए, पीसी में आपके स्पेक्स कितने होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश लाड एंड यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग गीक्स। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमारी और रोड मैप सीरीज की वीडियोस देख पाओ। तो पहले बात कर लेते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती क्या है, कि सीढ़िया का नाम है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्योंकि हम जिस फील्ड में आगे बढ़ने वाले उस फील्ड का बेसिक नॉलेज भी तो हमें होना चाहिए कि वो फील्ड में होता क्या है, क्या होती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो आप में से मोस्टली लोगों के पास यार एंड्रॉइड फोन्स होंगे, लाइक माइक्रोमैक्स, सैमसंग, किसी भी कंपनी के फोन हो सकते हैं, एंड्रॉइड फोन्स होंगे। तो उसमें जो आप ऐप यूज़ करते हो, जैसे YouTube पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप YouTube पे एक ऐप यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, एक एंड्रॉयड ऐप है। तो उस ऐप को डेवलप करने के लिए कोई डेवलपर बैठा होगा जो उस ऐप को डेवलप कर रहा होगा, तो बस यार उसे ही एंड्रॉयड डेवलपर कहते हैं, जो इस ऐप को डेवलप कर रहा है और जो ऐप की डेवलपमेंट हो रही है उसी को हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाने हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर, बस इतना समझ लो। अब इसमें दो टाइप्स के ऐप्स आप बना रहे होंगे, स्टैटिक ऐप्स और डायनामिक ऐप्स। क्या होता है स्टैटिक और क्या होता है डायनेमिक ऐप? स्टैटिक ऐप यार हम बेसिकली ऐसे समझ लेते हैं कि जिस ऐप में हमें बाद में कोई अपडेट करने की नीड नहीं हो, मतलब हमने एक बार बनाया, उसको अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे और एज इट इज़ रहने दिया, मतलब उसमें कुछ हम अपडेट नहीं कर रहे, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, उसको हम स्टैटिक ऐप बोलते हैं, जो एक जैसा ही रहने वाला है। उसके अलावा डायनेमिक ऐप क्या होता है यार, जिसमें हम बार बार अपडेट करते रहते हैं चीज़ें, जैसे कि आपने करंट अफेयर्स का ऐप बनाया है, तो यार आज के करंट अफेयर्स कुछ अलग होंगे और कल के करंट अफेयर्स कुछ अलग होंगे, मतलब डेली आपको उस ऐप को अपडेट करते रहना होगा टाइम के साथ, तो वो क्या हो गया, एक डायनामिक ऐप हो गया। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आप दोनों तरीके के ऐप बनाना सीख रहे होंगे, स्टैटिक ऐप बनाना भी सीखोगे और डायनामिक ऐप बनाना भी सीखोगे, फिर वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के ऐप डेवलप करते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कौन कौन सी लगेगी, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन कौन सी अदर स्किल्स हमें सीखनी होगी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट आप दो तरीके से सीख सकते हो, या तो आप जावा से सीख लो या कॉटलिन से सीख लो। अब यार यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, जावा से सीखे कि कॉटलिन से सीखे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉटलिन जो है वो गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मतलब अगर भी आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कॉटलिन से करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू जावा। लेकिन यहाँ पर अगर भी कॉटलिन से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसमें यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर भी आपका बाद में मन किया कि नहीं यार मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे आपको कॉटलिन काम में नहीं आएगी, कॉटलिन बस एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पे जावा आपको मल्टीपल यूजर्स के लिए यार काम आने वाली है, क्योंकि आप इससे एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वो कर सकते हैं। तो अब क्या करें, जावा से सीखें या कॉटलिन से? तो इसमें अगर आप मेरा ओपिनियन मानो, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि पहले आप जावा सीखो, फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा से सीखो, फिर कॉटलिन में शिफ्ट कर जाओ। तो उससे क्या होगा यार, आपकी जावा भी कंप्लीट हो जाएगी, इसी के साथ साथ जावा से एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आप कर लोगे, और इसी के साथ कॉटलिन से भी आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लोगे। तो आपको अगर जावा में करना है तो आप जावा में भी कर सकते हो, कॉटलिन में करना है तो कॉटलिन में भी कर सकते हो। यहाँ पे पैसे तो लग नहीं रहे यार सीखने के कि जावा से सीखेगी कॉटलिन से, दोनों से सीख लो, क्योंकि अगर आप जावा से सीखते हो तो उसके बाद कॉटलिन में शिफ्ट करने के लिए मुश्किल से आपको 15 दिन का टाइम लगेगा। आप 15 दिन में, विद इन 15 डेज आप कॉटलिन भी सीख जाओगे, कॉटलिन से एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी सीख जाओगे, सिंटेक्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार सिंटेक्स में। बाकी आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे वो तो सेम ही होगा, कॉटलिन से करो चाहे जावा से करो, एंड्रॉइड स्टूडियो में ही आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे बेनिफिशियल यही होगा कि पहले जावा से हम सीखें फिर कॉटलिन से सीखें। अब पता चल गया आपको कौन सी लैंग्वेज से एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि यार कहाँ से सीखें। यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, कहाँ से सीखें, मतलब कौन अच्छा सिखाता है। इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, कहाँ से हम करें? तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के नाम बता देता हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैं। यार सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैंने खुद ने सीखना शुरू किया यार, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट लगे मुझे। तो अगर हम यूट्यूब की बात करें तो आप जावा के लिए कोड विथ हैरी को प्रेफर कर सकते हो, जावा से अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है तो कोड विथ हैरी को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉटलिन से एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है तो यहाँ पे अनुज भैया नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो यार, वो काफी अच्छे से सिखाते हैं, और कॉटलिन में तो यार वही मुझे बेस्ट चैनल लगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह सारे बनवाए हुए, तो आप वहाँ जाके भी सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम सीखने नहीं बैठे हुए एंड्रॉइड डेवलपमेंट, हम बात कर रहे हैं कि कैसे सीखे, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करें। तो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बता दिया, अगर जावा से सीखना आपको तो कोड विथ हैरी की तरफ जा सकते हो, इसके साथ साथ आप
कॉटलिन से सीखना चाहते हो तो अनुज भैया की तरफ जा सकते हो। अब ये बात होगी YouTube की, लेकिन आपको YouTube के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म से सीखना है तो कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट होंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे मैं पहला प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ, गूगल का एंड्रॉइड डेवलपमेंट करियर सर्टिफिकेट। जो गूगल के प्रोफेशनल करियर सर्टिफिकेट हैं उसमें जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला सर्टिफिकेट है, जिसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ गूगल करियर सर्टिफिकेट वाली, आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले उसमें, वहाँ से आप जाके एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक बात यह है कि वो पूरा कोर्स कॉटलिन में, इसके लिए आपको पहले जावा से सीखना होगा फिर कॉटलिन में स्विच करना, तो आप पहले कोड विथ एरी से जावा से सीख लो और उसके बाद गूगल का एंड्रॉइड डेवलपमेंट करियर सर्टिफिकेट कर लेना। तो उससे क्या होगा, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो सीख ही चुके होंगे, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा उस स्किल का, जो कि आप अपने रिज्यूमे में भी लगा सकते हो। इसी के साथ साथ उस सर्टिफिकेट की खास बात यह है कि आप 133 प्लस कंपनी में बिना डिग्री के भी जॉब ले सकते हो, डायरेक्ट जॉब ले सकते हो। इन्फोसिस, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप बिना डिग्री के जॉब ले सकते हो, तो यार ये कितनी अच्छी बात है अपने आप में। इसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म जो मुझे बेस्ट लगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए वो है यूडासिटी। उसमें क्या है यार कि सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए भी आपको सर्टिफिकेशन कराया गया है, मतलब अगर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो यूडासिटी की तरफ आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। उससे क्या होगा, आपके 3 से 4 मेजर प्रोजेक्ट तो यूं ही तैयार हो जाएंगे जो कि आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, और यार मेजर प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू होती है हमारे रिज्यूमे में ये तो आपको भी पता है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए कि आप सेपरेट एक प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट को कितना डीप में सिखाया जाएगा आपको वो काफ़ी अच्छी बात है। तो वो काफ़ी वहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है, काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है मेरे रिज्यूमे के लिए। तो ये बात हो गई कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहाँ से करना है, रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं कि यहाँ यहाँ जाके कर सकते हो, मतलब आप नेट पर सर्च करोगे यूडासिटी एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स तो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, आप कर सकते हो वहाँ से। पर्टिकुलर सेपरेट के लिए भी वहाँ पर बना हुआ है, गूगल से करना है गूगल से कर लो। इसके अलावा यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, यूट्यूब चैनल के नेम भी मैंने बता ही दिए हैं। इसके अलावा आपको और कोई ऐसा अच्छा चैनल लगता हो जो इन दोनों से भी बेटर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, मुझे भी पता चल जाएगा। अब मैंने बहुत सारी बात कर दी यार कि यहाँ से भी सीख सकते हो, यहाँ से भी सीख सकते हो, यहाँ से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप मानो, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना। तो सबसे पहले कुछ मत करो यार, यूट्यूब पे कोड विथ एरी सर्च करो, उनके जो जावा के एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कोर्स है उनको सीखना स्टार्ट करो, उनकी वीडियोस कंप्लीट करो, उससे प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनवाए हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाओ। देन उसके बाद आपको क्या करना है यार, कॉटलिन में तो अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप यूट्यूब से करना चाहो यूट्यूब से कर सकते हो, गूगल का सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो अनुज भैया चैनल पे जाना, उसके बाद उनकी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है उसको जाके फॉलो करो, क्योंकि आप जावा से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर चुके हो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉटलिन समझने में, आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और समझ में आएगी कि हाँ यार ये वाली चीज़ तो मैंने जावा में ऐसे की थी तो ये कॉटलिन में ऐसे हो रही है, तो आप कंपेयर कर पाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहाँ पे। तो 1-1.5 महीने में आपका जावा और एंड्रॉइड डेवलपमेंट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कोड विथ एरी से, उसके बाद 15 डेज आपको लगेंगे अनुज भैया की प्लेलिस्ट फॉलो करने में, ठीक है। तो मतलब 2 महीने हमारे हो गए हम ये मान लेते हैं। देन अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यूडासिटी पे जाना है और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो जाके करना है, जिससे आपके मेजर प्रोजेक्ट तैयार होते जाएंगे जो आप रिज्यूमे में भी लगा पाओगे। इसी के साथ साथ अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो आप उसको प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हो, कुछ यूनिक आइडिया आपके पास हो तो उसको प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हो और वहाँ से भी मनी अर्न कर सकते हो। अब आपके पास मान लेते हैं हम कि 3 से 4 मेजर प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं, 10 से 12 माइनर प्रोजेक्ट आपने कर ही रखे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत सारे क्लोन ऐप्स भी बनाए होंगे। क्लोन ऐप्स बनाना मत भूलना यार, मैंने वेब डेवलपमेंट में भी बताया था कि क्लोन वेबसाइट बनाना उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसमें भी सेम चीज़ करना, क्लोन ऐप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। भले ही 1-1 महीने 2-2 महीने में बनाना, धीरे धीरे बनाना, लेकिन क्लोन ऐप्स बनाना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे सर्च करके बनाना लेकिन बनाना ज़रूर। तो आपके पास मेजर प्रोजेक्ट भी आपके तैयार हो चुके हैं रिज्यूमे के लिए, आपके पास सारी चीज़ें हो चुकी है, आपने सर्टिफिकेशन भी कर रखा है यूडासिटी से और आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट पूरी सीख ली है, मतलब कंप्लीट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, गूगल के प्रोफेशनल जो करियर सर्टिफिकेट है उसमें जाकर एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला सर्टिफिकेट आपको करना है, कंप्लीट करना है, उसका सर्टिफिकेट अर्न करना है, क्योंकि यार वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप प्लेसमेंट के नज़रिए से देख लो, चाहे आप फ्रीलांसिंग के नज़रिए से देख लो। अगर आप प्लेसमेंट के नज़रिए से देखते हो तो आप उसको अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, उस सर्टिफिकेट की काफ़ी वैल्यू है यार, गूगल कंपनी मतलब छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं तो उसका सर्टिफिकेशन है तो वो काफ़ी अच्छी बात है, और स्किल्स तो आपके पास वैसे भी है ही और आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाता है तो आप एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर अब हो चुके हो, तो उसका सर्टिफिकेशन आपको अर्न कर लेना। इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग में आपको सर्टिफिकेट कैसे हेल्प करेगा, आपके पास डिग्री नहीं भी है, मतलब आप बीटेक एमटेक कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आप 133 प्लस कंपनीज में बिना डिग्री के जॉब ले सकते हो सिर्फ उस सर्टिफिकेट से, मतलब समझ रहे हो यार कितनी वैल्यू है उस सर्टिफिकेट की। तो बस यही सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अब बात कर लेते हैं कि पीसी में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगी अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है तो प्रोसेसर कौन सा होना, ग्राफिक कार्ड कौन सा होना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार यही चीज़ मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हर कोई पीसी काम नहीं कर पाता है,
एक डिसेंट सा पीसी होना चाहिए। अब डिसेंट पीसी किसे कहते हैं, किस स्पेक्स के पीसी को कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो पीसी की बात करें तो आप समझ लो आपको चलाना है एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर अपने पीसी में, जो कि अच्छे से चल जाए, बस दैट सेट, हमको इतना ही चाहिए। तो हम सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम रैम की बात करें तो मिनिमम आपके पीसी में 4 GB रैम होना बहुत ज़रूरी है, उससे कम है तो यार आप नहीं कर पाओगे अपने पीसी में एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मतलब मिनिमम बताया 4 GB भी मैंने, क्योंकि 4 GB पे भी आपका इतना फ्रीली चलने वाला नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन सिर्फ चलाने के लिए भी आपको 4 GB रैम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो i5 प्रोसेसर यार आप ले लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। i5 8th Gen 9th Gen ले लोगे तो डिसेंट चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। इसके बाद ग्राफिक कार्ड की हम बात करें तो अगर आपको ग्राफिक रिलेटेड वर्क करना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे तो आप ग्राफिक कार्ड लगवाओ, नहीं तो अदरवाइज नहीं भी लगवाओगे तो इतनी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लगवा लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बाकी नहीं भी लगवाते हो तो कोई बात नहीं है। अब ग्राफिक्स से रिलेटेड आप काम करोगे तो मिनिमम आपको ग्राफिक कार्ड लगेगा, जो कि होगा मिनिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह की बात करें तो यार अपने स्टोरेज के हिसाब से रख सकते हो, आपका कितना स्टोरेज का आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट यही है रैम हो गई, ग्राफिक कार्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पीसी बिल्ड करवाने की सोच रहे हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए तो यार इन बातों का ध्यान रखना, नया पीसी बनवा रहे हो, अगर आपका बजट है आप एक्सटेंड कर सकते हो तो 8 GB और 16 GB रैम में भी जा सकते हो। ग्राफिक कार्ड 2 GB की जगह 4 GB लगवा लो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, आपकी जेब टाइट है, तो आप ये सारे स्पेक्स तो मिनिमम रखना ही रखना अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यार बस इतना ही था इस वीडियो, तो आपको क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, मैंने जो स्टेप्स बताई उनको फॉलो करते जाना है और अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर देना है जल्द से जल्द। तो बस, तो इस वीडियो के खत्म होते ही जल्द से जल्द सर्च करने लग जाना यार, क्योंकि अगर आप आधा घंटा भी लेट करोगे और नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉपर वीडियो के तो यार यूट्यूब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी दूसरी वीडियो के सजेशंस भी देते रहता है, तो आप भूल भी जाओगे कि आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कुछ रोड मैप देखा था, तो यार आपके जो भी 10-12 मिनट हुए हैं वो वेस्ट ही होना है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आपके 10-12 मिनट पूरे वेस्ट ही होना है यार, तो तुरंत ही जाके देख लेना अगर मेरी राय आप मानो तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करी एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इसी के साथ साथ वीडियो से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।